और दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल किस्सों का कारवां में। मैं हूं आपका दोस्त आनंद और लेकर आया हूं आपके लिए मारवाड़ के इतिहास की एक और नई कड़ी। जी हाँ दोस्तों, पिछले कड़ी में अपन ने पढ़ा कि पाली के ठाकुर साहब पर महाराजा अजीत सिंह ने चूक करवाई थी। उसके बाद में अजमेर के अंदर सूबेदार सुवाजत खां ने महाराज से कहलवाया कि बादशाह ने मुझे यहाँ से हटा दिया है, आपने सांबर और डीडवाना पर अधिकार कर लिया और सैयदों को सांबर में जाकर मैंने मारा, इससे बादशाह मुझसे नाराज़ है और मैं अब ये जगह छोड़कर अपने वतन को जा रहा हूँ। यह फिरोज खां का पत्र नियुक्त हुआ है पर भय के कारण वह नहीं आ रहा है और उज्जैन के मार्ग में आगरे की तरफ चला गया है, अतः आप आकर अजमेर पर अधिकार कर लें। वास्तव में ये सब सुवाजत खां का एक बादशाह के प्रति हमदर्दी और महाराजा अजीत सिंह के प्रति ये छल था। जब ये छल किया तो महाराजा अजीत सिंह को लगा कि वाकई में सुवाजत खां सही बोल रहा है और महाराजा पहुंचते ही वह उसको मारने की तैयारी में था। महाराजा अजीत सिंह ने 25 से 30 हज़ार फौज एकत्रित करके विक्रमी संवत 1765 ईस्वी सन 1709 3 फरवरी को प्रस्थान किया। उधर सुवाजत खां ने मेवाती फिरोज खां के पुत्र पुरमांडल का जो थानेदार था उसके पास से और अन्य स्थलों से सेना मंगवा रखी थी और दरवाजे के बाहर खाई खोद कर वह लड़ाई के लिए तैयार बैठा था। दांतड़ा पहुंच गए जोधपुर महाराजा अजीत सिंह अपने पूरे लाव जमे फौज के साथ दांतड़ा पहुंच गए। जब महाराजा को ये सब दांतड़ा पहुँच कर पता चला कि ये सब उसका छल है तो उन्होंने अन्य स्थानों से तोपखाना और फौज बुलवाकर 19 फरवरी को आक्रमण किया, अर्थात कुछ दिन रुके और उसकी व्यवस्था के अंदर लग गए। इसके बाद कई दिनों तक लड़ाई चली और जब सुवाजत खां को विजय के दर्शन नहीं हो रहे थे, हर तरह के हथकंडे उसने अपना लिए थे और महाराजा अजीत सिंह को वो जीत नहीं पा रहा था, तब उसने रूपनगर के स्वामी राज सिंह के मार्फत हाथी घोड़े और 45 हज़ार रुपये देकर के वो घेरा उठवाया था। इसके लिए वीर विनोद में लिखा है कि महाराजा का अजमेर से रुपये वसूल किए गए। बहादुर शाह के राज्य समय के समय 1766 अर्थात विक्रमी 1766 और 1709 को अखबार में पाया जाता है कि अजमेर के निवासियों से रुपए वसूल कर अजीत सिंह ने वहां से घेरा उठाया। ये अखबार अखबारात ई दरबार के नाम से प्रसिद्ध है और जयपुर के संग्रहालय में सुरक्षित है, जिसकी प्रति को देखते हुए पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने इस लड़ाई का वर्णन इसके अंदर दिया है। सुवाजत खां इस छल से नहीं जीत पाता है और आखिर में उसको हाथी घोड़े और 45 हज़ार रुपये मुआवजे के रूप में दे करके जोधपुर महाराजा अजीत सिंह को वापस अजमेर से विदा करता है। कहने का मतलब यह है सुवाजत खां का छल खुद को ही भारी पड़ गया और जोधपुर की सेना ने 45 हज़ार रुपये लेकर के वो घेरा उठा दिया। इतिहास के ऐसे अगर किस्से आपको पसंद आते हैं दोस्तों, छोटे छोटे किस्से कहानियाँ आपको पसंद आते हैं तो मेरे चैनल किस्सों का कारवां को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।